हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त? मैं हूँ आपका दोस्त राजेश मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्य लाइव टच। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं PSL की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन PSL निवेशकों के लिए जिनका अभी तक भुगतान नहीं मिला। बाकी लगभग सभी PSL निवेशकों का अभी तक भुगतान नहीं मिला है, और ये वीडियो सभी PSL निवेशकों के लिए एक बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अपनी बात रखेंगे और आप लोगों की समझ में और आप लोगों की भी बात इसी में होगी। तो दोस्तों, बात हम करने वाले हैं PSL में जो हो रही आनाकानी में, जो हम लोगों को पैसा के मामले में बहुत सारी गलतियां से भी हम लोगों के साथ कर रही है, गलत कर रही है, हम लोगों को जो पैसा ले करके बैठी हुई है और हम लोगों को दे नहीं रही है, उस मामले में हम लोग बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। हम लोग इसका जो वजह जानने की पूरी कोशिश करेंगे, तो कौन कौन से सवाल उठाने चाहिए कि जिससे हम लोगों को PSL निवेशकों का पैसा मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पहली बार आए हैं मौर्य लाइव टच पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों को अपडेट PSL के बारे में आपको डेली मिलती रहेगी। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि जो PSL का जो पैसा है सेबी के पास, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड कंपनी के पास भी अवेलेबल होता है, किसी भी कंपनी का हो, अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो हमको कुछ दे रही है तो जो हमसे डाटा ले रही है वो डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल रहता है, तो क्या PSL कंपनी के पास वो डाटा नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उसने मेरे को, मान लीजिए मैं बाइक लेने गया, तो जो मैं डॉक्यूमेंट अपने पास रखता हूँ वो डॉक्यूमेंट उस बाइक वाले कंपनी के पास भी रहता है, अगर कोई समस्या होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो कंपनी को अपने को सही साबित करने के लिए वो डॉक्यूमेंट कंपनी को दिखा सकती है जिसको दिखाना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी PSL का जो डाटा है पूरा, PSL निवेशकों का पूरा जो डाटा है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनके बॉन्ड्स हैं, रसीदें हैं, वो सब कंपनी के पास अवेलेबल रहती है। अगर अब मान लीजिए जो पैसा लेने का टाइम था तो उसको किसी चीज़ की आवश्यकता की मतलब नहीं थी, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता थी ही नहीं, अब जब हम लोगों का पैसा देने का टाइम आया तो वो न जाने क्या क्या मांग रही है। कहाँ सेबी को ऐसा करना चाहिए था, मान लीजिए कि हम लोगों को आवेदन करते समय सबसे आसान तरीका था कि आवेदन करते समय आप लोग अपना बॉन्ड लगाइए और पहली रसीद लगाइए, और आपके पास जो है वो लास्ट रसीद लगा दीजिए। ये तो था सरल तरीका फिर भी, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए था सेबी को, ये भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी के पास सारे डाटा अवेलेबल हैं, उससे ही हम लोगों को पैसा वापस करे। कि कोई भी कंपनी आज तक कि हम लोगों ने देखा है कि आज तक कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने पैसा देने के टाइम हो तो उसने अपनी रसीद मांगी हो, कोई कंपनी हो तो नाम आप लोग खुद बताइए, ऐसे कंपनी नहीं है ना। अगर है तो मुझको कमेंट करके बताइए तो मैं भी जानूँ कि भाई कौन सी कंपनी है जो कि पैसा देने के वक्त रसीदें मांगती है, बांड मांगती है, क्योंकि जो कंपनियां लीगल काम करती हैं से क्योंकि यहाँ पर से भी बहुत सारा पैसा लेकर भागना चाहती है, हम PSL निवेशकों का पैसा नहीं देना चाहती। सबसे बड़ा सवाल यही हमारे मन में उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर से भी चोर चोरी का काम कर रहा है, क्योंकि हमने उसको पैसा क्यों नहीं दे रहा है, इसका रीज़न बताए वो। क्या सभी निवेशक ने आवेदन गलत किया है? क्या आवेदन करते समय सभी निवेशक ने गलतियाँ की है?
ऐसा तो कोई भी निवेशक होगा जिसका सही होगा। 100% में से 100% ही सब ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये यहाँ पे बहुत बड़ी हम पीएसएल निवेशकों के साथ नाइंसाफी हो रही है जी दोस्तों। ये नाइंसाफी क्या सरकार को नहीं दिख रही है, राजनेताओं को नहीं दिख रही है? इन सभी को वोट के टाइम जब इनको मतलब होता है तब हम पीएसएल निवेशकों के पास आते हैं, तब इनको ज़रूरत होती है। क्या अब इनको ज़रूरत हमारी नहीं है दोस्तों? बहुत बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इन जब राजनेताओं को जब वोट की इनको मतलब होती है तब ये जनता के पास आते हैं, अगर जब तक इनको जनता की ज़रूरत होती है तब उनके पास आएंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, गोड़ जोड़ेंगे, जो भी जोड़ना हो जितना हो सके कि ये वो करेंगे। लेकिन जब अब जनता को ज़रूरत है इन राजनेताओं की तब वो हाथ हिलाकर चल देते हैं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये कैसा है देश है? यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसी को कुछ नहीं कहता? क्यों जनता ही कोई मदद नहीं करना चाहता है? रीजन बताए। सेबी भी आराम से पैसा नहीं देना चाहती, वो भी बैठी है। लोढ़ा कमेटी है, वो भी पूरा डाटा नहीं दे रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं आपस में? हम पीएसएल ने उसको को पैसा ही तो खा रहे हैं, या फिर देना ही नहीं चाहते। लेकिन इनको पैसा देना होगा, ये नहीं कि अब हमें आपको इतना पैसा दे दिए, इतना देने के बाद मैं आपको पैसा पूरा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा पैसा देना ही होगा। पैसा हम लोग निकालना जानते हैं, पैसा आप लोगों से निकलवा कर ही रहेंगे, बशर्ते ये है कि आप लोग आसानी से दे दें कि ज़्यादा कुछ हम लोग करें ना। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया था कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 3 तारीख को सेबी ने अपनी साइट पे एक न्यूज़ दिया था, तो मैंने आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि लगभग 5,000 के आसपास, जो 5,000 के आसपास जो भुगतान हुए थे उनमें से बहुत से निवेशकों का भुगतान कर दिया गया है 5,000 के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे हम उस निवेशक का नाम बताइए जिसका पूरा का पूरा पैसा आया हो। मान लीजिए उसने 5,000 जमा किया था तो 5,000 उसका आया हो, क्योंकि सेबी ने खुल के बोल दिया कि 5,000 वाले निवेशकों का भुगतान पूरा कर दिया गया है, और बाकी जिन निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ है उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो मैं दोस्तों यही जानना चाहता हूँ कि सभी निवेशक गलतियाँ कैसे कर सकते हैं? गलती 1 से होगी, 2 से होगी, 10 से होगी, 100 में से मान लीजिए 20 की होगी, 80 यानी कि 100 में 100 तो नहीं होगी। तो वही दोस्त मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो सेबी चोरी कर रहा है हम लोगों के साथ, ये कर ना पाए, हमारा पैसा मुझको दे। तो दोस्तों यहाँ पर बात मैं यही बता रहा हूँ कि जो 5,000 वाले हैं, जो 5,000 से के आसपास जो उन्होंने भुगतान किया है उनका किया है, तो लेकिन कैसे किया है? 5,000 जिनका था उनका भी तुमने 200 रुपये दिए हैं, 150 रुपये दिए हैं, ये कैसा हो सकता है? क्या उन्होंने पूरी रसीदें आप लोग को अपलोड नहीं किया था? तुमने तो उससे भी अपलोड कर दिया कि ये गलतियाँ की है, वो गलतियाँ की हैं, रसीदें सही नहीं हैं, बॉन्ड सही नहीं है, तो उसमें सही क्या है? या फिर आप लोग पहले उसको बता देना चाहिए था कि आपको भुगतान लेते समय आपको इन सारी रसीदों को हमको देना होगा, आपने ऐसा पहले बताया नहीं, ना बाद में कोई चेतावनी दी। तो ऐसा या तो आप पहले ही बता देते तब हम लोग रसीदें रखते आराम से उसको संभाल के रखते, जिससे क्योंकि अब हमको पैसे लेना है इसलिए हम रसीद संभाल के रखेंगे, ऐसा हो सकता था। लेकिन आपने ऐसा कुछ बताया नहीं तो हम लोग रसीद कैसे रखेंगे? ये यहाँ पर भी बहुत बड़ा नाइंसाफी है। आप हमारा पैसा पूरा विधिवत दीजिए, कोई भी तरीका अपनाएं, कोई भी कुछ करें, लेकिन ऐसा भी करें कि ये हम पेंशन निवेशकों को आवेदन करने में आसानी हो
और हम अपना पैसा आसानी से ले सकें, कुछ भी करें। दोस्तों एक बार हम फिर जी, उपस्थित हुए तो हैं यहाँ पर हम आप लोगों को लोगों के बात यहाँ समक्ष पे नई ये आ गई जानकारी है लेकर लेकर के कि दोस्तों जो जिन निवेशकों का दोस्तों आज हम आवेदन जानकारी पूरी देना तरह से चाहते हैं कंप्लीट हुआ था, उनका भी पैसा कि नहीं दिया आपने। पीएसएल के निवेशक मान और लीजिए हमने एजेंट जो गलती की, चलिए इस मैंने समय गलती की क्या थी, करने वाले हैं तो यहाँ पर और उन क्या सभी कर रहे कंपनियों हैं दोस्तों। को भी आपने भारतीय लपेट लोक रखा है, सेवा बहुत सारी जो चिटफंड दल के कंपनियां, उनसे भी राष्ट्रीय सचिव अमित यही गर्ग बात की आ जाती अध्यक्षता है। में और किसी आगे बात कंपनी में करेंगे ऐसा नहीं दोस्तों। हुआ कि इससे पहले उसने हम आवेदन करते चाहेंगे समय दोस्तों जो ये पहली बताया हो बार कि आप चैनल पर अपनी न्यूज देख रसीदें रहे संभाल हैं रखें, उनसे रिक्वेस्ट मैं है भुगतान चैनल को करते समय सब्सक्राइब आपसे कर रसीदें लें लूँगा। और साथ में बेल आइकन घंटी और को दबा दें ताकि और उन्हें बहुत लेटेस्ट सारी में कंपनियां मिलती रहे। हैं, और पहले से मैं नाम सब्सक्राइब नहीं किए बताऊंगा, हुए बहुत सारी कंपनियां हमारे हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर भाइयों अपने को भुगतान करते बहुत समय बहुत धन्यवाद किसी से ये दोस्तों। कुछ नहीं मांगा कि रसीदें दोस्तों दीजिए, उन्होंने जैसा कि सीधा हम बांड पिछले मांगा जो वीडियो भी अपना में हो, जो बता उन्होंने पहले चुके बताया हैं था कि कि इसकी फॉर्म दानगढ़ या जी कॉपी लगेगी जो या फिर कुछ भारतीय होगा, लोक सेवा दल बस के लीगल हैं डॉक्यूमेंट मांगा और उसके बाद उनका भुगतान पूरा हो गया। तो ये सब और सेबी को भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सेबी अध्यक्ष को करना हैं चाहिए और सेबी इस पर करे तभी उसका और नाम होगा, नहीं तो सेबी एकदम द जीरो न्यूज पीएसएल बदनाम हो मैटर जाएगी। जो हो सकेगा सेबी दोनों लोगों के का बीच क्या में बताया जो जाए सेबी वार्ता को, हुई है उनके सेबी बारे के में लिए हम बात जितने कर भी चुके हैं। उन्होंने आप स्पष्ट शब्द कर हैं वो दिया कि सब यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं आप भी करूँगा। पैसा दिलाने का काम कर रहे तो हैं, दोस्तों हम इस भी वीडियो में पैसा हमें आप लोगों को बोलिए दिलाने की जानकारी बात दी कर है। रहे हैं, अगर आप काम कर लोगों को रहे हैं, कोई भी पैसा और भी जल्दी सवाल लोग हैं का या मिल फिर जाए, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मतलब कि आप लोग मंजिल कमेंट एक बॉक्स में है, बताइए, जिससे रास्ते मैं भले ही अलग आप अलग लोगों तक हों वो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दोनों सकूँ। का मकसद आपका तो मकसद दोस्तों आज के हमारा वीडियो में हम मकसद है लोग लोगों का इतना पैसा जल्दी मिल जानकारी जाए। बातें की तब हैं जीरो चैनल आपस वाले ने में, कहा तो कि हम पैसा नेक्स्ट दिला वीडियो नहीं में रहे भी आप हैं, कुछ बातें करूंगा आप केवल लोगों से, जो बहुत रास्ता ही बता रहे बड़े हैं। मुद्दे पर बात जो होगी। बातें हुई हैं दोस्तों तो हमने दोस्त बताया, जिन लेकिन दोस्तों हमारे आज हम चैनल को ये सब्सक्राइब बताना कर लिया चाहते उनको, हैं दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप चैनल के लोग जाने माध्यम से पहले एक से इस चैनल को एक बार कि फिर अब क्या सब्सक्राइब कर प्रोसेस लीजिएगा, चल जो रहा है अगर आप लोग दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर प्रोसेस चल करिएगा रहा है और आगे से अमित भी शेयर गर्ग करिए ताकि हर निवेशक के जो पास ये कि इन्फॉर्मेशन पहुँच राष्ट्रीय जाए। सचिव थैंक्स आप हैं सभी का इस वीडियो को देखने के भारतीय लिए। लोक सेवा दल के।